ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में मनाया गया रक्षाबंधन का पावन पर्व। विद्यालय में आयोजित हुई राखी प्रतियोगिता, बच्चों द्वारा तैयार की गई राखी को भेजा जाएगा देश के फौजियों को। आपको बताते चले कि जनपद कानपुर देहात के कस्बा मुंगिसापुर कानपुर देहात में स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, जहाँ छात्राओं ने स्कूल में पढ़ने वाले भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, वहीं भाइयों ने भी बहनों को उनकी रक्षा का वचन दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रबंधक हेमलता साहू को भी राखी बांधी और विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव साहू के साथ अपने शिक्षकों को भी राखी बांधी। वहीं विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों ने अपने सभी शिक्षकों और विद्यालय के प्रधानाचार्य को राखी बांधी, उनके दीर्घायु की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उपस्थित शिक्षकों को उपहार दिया और हर दुख के मोड़ पर उनके साथ खड़े रहने का वचन दिया। इस अवसर पर बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधी और भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने का संदेश दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों के लिए एक राखी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बच्चों द्वारा बनाई गई राखी को देश के फौजियों को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रक्षाबंधन के महत्व एवं भाई बहन के पवित्र रिश्ते की महत्व के बारे में जानकारी देना था। स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और एक दूसरे को राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का संदेश दिया। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ इंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।